सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, अब कड़कता जाड़ा शुरू हो गया, रात का टाइम है और ये मेरा डिनर टाइम। एक्चुअली मैं डिनर बहुत कम लेती हूँ और बहुत हल्का लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज बिल्कुल गर्मा गर्म पूरन पुली बनी हुई है और अभी इसको निपटा दिए तो अच्छा रहता, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैं क्योंकि डिटेल से सारे वीडियोस बनाई थी और इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताई थी, तो नेचुरली मैं खाली धनाधन म्यूजिक के साथ आड़े तेड़े वीडियोस तो बना के डालती नहीं। ये बहुत पुराने रिवायती चीजें हैं जिसकी अगर मैं आपको बारीकी से नहीं बताऊंगी कोई भी चीज, तो आप इसका बिल्कुल भी प्रॉपर वे में आप ये बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये देखिए पूरन पुली, मैं जब आपको प्रॉपर वे में बताई नहीं थी कितने हसीन कितने खूबसूरत बने। अभी मैं थोड़ा सा आधा खाऊंगी और आधा मैं खाऊंगी ब्रेकफास्ट में कड़कती सर्दी में मजे मजे के साथ और चाय के साथ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको करीब से ये बता रही हूँ कि ये देखिए किस कदर हसीन और खूबसूरत है, माशाल्लाह। बोलिए सुबजने, ये देखिए कहीं से भी टूटा हुआ, कहीं से भी ब्रेक करे हुआ नहीं है। आपको गिरदे पे देखिए पूरा ऐसा खुल गया, देखिए आपको गिरदे पे कपड़ा बांध के ऐसा बनाने का है, ठीक है। तो ये जायकेदार पूरन पुली है और मेरी अम्मी तो साफ बोल दी है क्योंकि उनको थोड़ा सा पेट के दर्द का इश्यू है, वरना स्पेशली मैं विंटर्स में बनाई उनके लिए थी, नए खाते बोल के, क्योंकि आजकल उनके थोड़े मूड स्विंग्स भी डल है बेचारों के, उनके लिए दुआ करिए बस। आप ये एज में माँ बाप को क्या रहता मालूम है, एक कंपनी होना, औलाद खरीब रहना, मोहब्बत मिलना, खुलूस मिलना, इज्जत मिलना, ये रहता है। क्योंकि इलना क्या है, दो दो हाथों से लुटाए सो है, दौलत पैसा सेहत जिंदगी अपना सब कुछ अपना खून पसीना, उसके बाद नेचुरली बदले में 1% तो रिटर्न मिलना, मगर आज के दौर में वो कुछ भी नहीं है। ये है बेहतरीन हसीन विंटर्स की पूरन पुली, जो फेस्टिव सीजन में भी बहुत खुशी से खाया जाता है, हर रिलीजन में, हर कम्युनिटी एंड कास्ट में, हर जगह। ये बड़े रिवायती खाने हैं जो तकरीबन अब खत्म हो गए, और स्पेशली जो मेथड से प्रमिला मेरी दोस्त जो बताया आप लोगों को वीडियोस में ना, बिल्कुल ऑथेंटिक है ये आप कहीं नहीं देखे होंगे कि चने को दाल को गला के उसको ऐसा मैश करके छन्नी से फिर उसके अंदर गुड़ मिला है, नॉन केमिकल जैगरी गुड़, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई ऑयल या वो नहीं है, घी नहीं है। तो अब पूरे घर में अभी बन के 2 घंटे 3 घंटे हो गया, लेकिन अभी पूरे घर में गुड़ की असली घी की पूरन की और इतनी हसीन महक फैले हुई है। अभी मैं थोड़े से पूरन को हल्का पतला कर ली क्योंकि मेरे को पसंद है ऐसा खाना, और ये असली घी उसके साथ पोर करने के लिए। और ये अमटी, अमटी क्या है, एक टाइप ऑफ आपको लिक्विड पतली दाल रहती है जस्ट लाइक कांजी, कि ये जिसकी जो हैवीनेस ये भारी गिजा रहती है, इसको हजम करने के लिए इसके अंदर हींग और जितने भी स्पाइसेस डाले ये हजम करने के लिए, इवन टमरिंड जो इमली का पल्प है सारी चीजा, और किसमें डाले जो हम दाल का पानी जो स्पेशली हाई प्रोटीन है, वे प्रोटीन जिसको बोलते उसमें ये सारे चीजा बनाए। तो हमारे पहले के लोग कितने अच्छे थे, कि कितने रिवायती पसंद थे, चाहे कोई भी मजहब और कम्युनिटी के रहने दीजिए, सारों में बनता। स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में बड़े बड़े मांडे बनते, बड़े साइज के। मेरी रोटी वाली को आता वो बनाना, मैं कोशिश करूंगी अगर सुबह उन्होंने बना दिए तो बता दूंगी, वो भी हाथ से थप थप आके उसको बड़े साइज के बना के तवे पे डालते, उल्टे तवे पे डाल के बड़े साइज के बनाते। वो अक्सर ज्यादा गुलबर्ग शरीफ के लोग या के उधर के लोग बनाते या फिर महाराष्ट्र में। एक्चुअली हैदराबाद दक्कन पहले पूरा महाराष्ट्र के खरीद तक था ना पूरा, तो यही अपने पास कल्चर और तहजीब फैले हुई है। इसके साथ मैं थोड़ा सा कैरी तरकारी का अचार भी खा चूं, जो है बेस इसका कच्ची इमली से बने हुआ है और उसके अंदर पूरी तरकारी है। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि ये रिवायती चीजें अगर हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे और हम सिर्फ अपने केयरलेसनेस और इजीनेस के लिए लेजीपन के ऊपर हम बोलेंगे कि अम्मा कौन बना लेते बैठे, आजकल बच्चे कौन खा रहे हैं, बोले तो हम बच्चों को ये सिखाएंगे तो ना सीखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ भाग रही या अब ये जो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, खासतौर से ये जो चीजें हम खा रहे हैं ना, पर बर्गर पिज्जा वगैरह वगैरह, तो उसके बाद एंड ऑफ द डे जाके हमको ऐसे ऐसे खतरनाक किस्म के बीमारियां हो रही है, ना हम संभल सक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमारे बच्चे संभल सक रहे हैं। तो मैं इसके लिए यही बोलूंगी एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स के, ये हाई प्रोटीन पूरन पुली उसके साथ बेहतरीन। चलो आप मैदा मत लियो, गेहूं ले लो, उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाओ। अब तो मैं तो आपको ज्वारी की रोटी की पूरन पूरी बताती हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो। और असली घी के साथ कड़कड़ाती सर्दी में, स्पेशली अपने दक्कन में तो सर्दियों में ये पूरन पूरी बड़ी बनती, मतलब जितना भी दाल के हलवे रहो।
मेरी बेटी के वास्ते मैं मूंग की दाल का विदाउट शुगर हलवा बने, देखो इन्हें ये नहीं खाती करके ड्रामेबाजियां करी दो, ये बने। हमें ऐसा करके मालूम औलत सताई भी तो अपने चीजें उनके अंदर ढकलना बोल के अलग अलग तरीकों से इतनी मेहनत करती मैं अपने किचन पे अपने घर पे, जिसकी याद नहीं एक सेकंड में लगता है बटन दबा के बाहर से कचरा मंगा के खिलाना, मगर कोई फायदा नहीं है। वो एक तो छिचोरा नौदौलत या पन है, वो दिखावा शो ऑफ, दूसरा वो घर की औरत का तरीका सलीका, और उसके ऊपर हुर्फ आता कि आप घर का खाना नहीं बना के बाहर का जो मंगाते कोई भी वैरायटी, उससे औरत की मेहनत और औरत का अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर बेहतरीन मजे का। मैं इसके अंदर किशमिश भी भर ली जब इसलिए नहीं डाली थी कि बेलना नहीं आता, तो अपन बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना, कोशिश करना कि ये घर के बनाए रिवायती चीजें बच्चों को खिलाना, खुद भी खाना। विंटर्स एक ऐसी चीज है, विंटर्स में इसलिए दक्कन में ज्यादा पूरन बनती थी कि इसमें क्या है पचाते बोलते खाना, हालांकि इसमें मेटाबॉलिक रेट कम होता बॉडी का, लेकिन बोलते कि सर्दियों का खाया सारा साल काम आता। इसीलिए हमारे पास भी हलवे मांडे बहुत बनते, पंजेरियां बनते, मेरे वैरायटी ऑफ पंजेरीज है आपके वीडियो पे, सॉरी अपने चैनल पे, तो आप लोग वो भी देखिए। और प्लीज अपने पेरेंट्स को अपने सास ससुर को जरूर खिलाइए ये, और उन लोगों की इज्जत भी करिए। और मैं सारे बच्चों को यही बोलूंगी कि अपने माँ बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनकी इज्जत का ख्याल रखिए। विंटर्स आ गए, आप लोग चेक करें क्या सब लोग के उनके ब्लैंकेट्स, उनकी रजाइयां, उनके तकिए, उनके स्वेटर्स, उनके गर्म कपड़े, उनके सॉक्स सब सही साफ सुथरे नए हैं, या आप लोग लाने की कोशिश करें। हम अपने आईफोन पे, अपने एप्पल वॉच पे, अपने गैजेट्स पे इतना पैसा वेस्ट करते, लेकिन हमको ना अपने माँ बाप जो जिंदगी में बचपन से अब तक, जैसा मैं भी माँ हूँ, पहले अपने ख्वाहिशात का सेक्रीफाइस करके बच्चों के ख्वाहिशात को पूरे करते हैं, वैसे माँ बाप को वो अपन क्या करते हैं, जरा एज हो गई तो अपने ऊपर बोझ बन जाते, कोने में डाल देते। इवन माँ बाप स्पेशली रात को बहुत डरते, मगर अल्लाह हो जिगरा कौन सी औलाद को अल्लाह नसीब करा, कौन सा बेटा बेटी बहू को करा के बूढ़े माँ बाप को अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता, दिन में भी नौकरों के हैंड ओवर कर दिया जाता। जनरल बीमार होना अलग है, केयरलेसनेस से बीमार होना अलग है। और एक बहुत बुरी ड्रॉबैक है अपनी सोसाइटी का, अभी मेरे यहाँ जानने वाले बहुत करीबी नेबर्स हैं, उनके पास से मेरे को एक मेड की जरूरत थी, तो मेरी मम्मी के लिए, तो उनके घर की भी वो स्टोरी है क्या, अकेले छोटा बेटा बहू पूरा माँ को टेक केयर कर रहे हैं, और पूरे बच्चे गैप फॉर्मली आते ठहरते चले आते, तो अपने पास घर घर की कहानी है क्या। माँ बाप को क्या करते हैं, एक के हैंड ओवर कर देते और उसके बाद दूसरे ना खर्चों के हिसाब से पलट के देखते, ना खिदमत के हिसाब से, किसी के ऊपर वाजिब नहीं रहती खिदमत, जिनका नहीं बस उनका नहीं उनकी वाजिब है, तो कोई दिल से खुशी से अच्छा रखते, कोई आड़ा टेढ़ा एक बोझ की वैसा नौकरों के हवाले करते, झिड़कियों के जद में रखते, रुलाते, तकलीफ देते, अजियत देते। जरूरी नहीं है कि हर कोई खुश रखना, तो अपन अपने माँ बाप के ये चीज का ख्याल रखे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बड़े बड़े स्क्रीन्स लगा लेते, बड़े बड़े टीवियां लगा लेते, बड़े बड़े फोन ले लेते स्मार्ट, मगर माँ बाप के लिए देखिए आप लोगों के कोई स्मार्टफोन या अच्छा टैबलेट उन लोगों को ला के दिए, या उन लोगों की जिंदगी कैसी हो रही देखिए, उनकी खुशी देखिए। ये जो मेरी अम्मा को अल्लाह दुनिया और आखिरत में इतना नवाजे, इतना नवाजे, इतना नवाजे, और मेरे वालिद को जन्नत में आला दर्जा से नवाजे, मेरी अम्मा दमदान में ऐसे जबरदस्त पुराना दमदम देके खिलाते थे, हर मौसम का बेहतरीन शानदार खाना अपने हाथों से बना बना के हम लोग को खिला खिला के इतना सेहतमंद रखे, हर वेदर के हिसाब से हमारे घर में खाना बनता था। और मेरे वालिद मेहनत कर करके एक एटीएम मशीन बन के इतना करे इतना करे इतना करे आउट ऑफ द वे जाके, इवन हमारे पास बहुओं को भी हाथ हिलाने नहीं देते, बे इंतहा नौकरा, डिलीवरीज में भी पूरा हमारी अम्मा की सरबराही रहती थी हर किस्म को, और स्पेशली हमारे पास तो जहेज भी नहीं लिया जाता, तो उस हिसाब से देखा गया तो लकी है हमारे घर के भवान जो हर हिसाब से हर किस्म से नवाजे जाते हैं, और हर किस्म से हर हिसाब से उनका टेक केयर किया जाता। मैं यही बोलूंगी अक्सर घरों में क्या होता, चाचा ससुर के सामने ठहर के बोलते हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारे साथ क्या गया, लफ्ज नाइंसाफी लाते इसके साथ अगर पलट के कोई बोल दिया कि आपके मायके से आपको इंसाफ मिला क्या, आप क्या क्या लाए जायदाद प्रॉपर्टी जेवर हिस्सा वगैरह, बोलते अपनी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहती, तो अपन गलती से भी नहीं पूछना है सर के हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, क्योंकि
माँ बाप सास ससुर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को करने की, लेकिन बहुत से माँ बाप सोर्स ऑफ इनकम भी कर देते हैं, रहने को घर ठिकाना छत भी दे देते हैं, जेवरा सब कुछ दे देते हैं। उसके बाद मेरे को हैरत होती बस लोगों पे कि ऐसा कैसा पूछते कि हमारे साथ नाइंसाफी की गई, बोलता टोटली शॉक रहते हैं हम ऐसे लोगों के ऊपर। फिर खुराना हाथों से नहीं छुट्टे, जानी माजा नहीं छुट्टे, तस्बियां नहीं छुट्टे। और बहुत से लोगों का एक गेम प्लान रहता है कि अपने हस्बैंड को इतना मेंटल वो दिया जाता है टॉर्चर और ब्रेन वॉश के, तुमको तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते, बहना भाई नहीं चाहते, रेस्पेक्ट नहीं देते, पलट के देखना आपके मैके वाले चाहते इज्जत देते, ऐसा करके क्या करते घरों को तोड़ते, कभी ऐसा नहीं करना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो बच्चों का काम रहता है चीज समझना, इज्जत जिल्लत तो अल्लाह देने वाला। अगर औरत भी ये सोचना कि अगर हम ऐसा तोड़ाएं तो कल हमारे भाइयों के साथ या मेरे बेटे भी मेरे साथ यही करेंगे, मेरे बेटों के साथ भी, अपन ये सोच लेना अगर अपन सास ससुर को माँ बाप को रुला रहे हैं, उनको अजियत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और इस्लाम में सास ससुर को करना नहीं है, माँ बाप को करना है, बोल के सास ससुर को बिल्कुल लेट गो करके माँ बाप को इज्जत दे रहे हैं, तो सो मकाफत अमल है इंशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग वापस आएंगी। और बेटियों के लिए भी मैं यही बोलूंगी, बींग ए बेटी मेरा फर्ज है कि मेरी जितनी औकात हैसियत है उससे बढ़कर मैं अपनी अम्मा को पूछूं, लेकिन हम क्या करते खाली अपने अपने काम देख लेते, अपने बच्चों को सेटअप कर लेते, अपना लाइफस्टाइल, अपनी हेल्थ, अपनी जिंदगी देख लेते, उसका खाली बोला बोली बोला बोली। मेन एजेंडा जो रहता है कि माँ बाप सास ससुर की हेल्थ, उनकी जिंदगी, उनसे रिलेटेड चीजें उसको हल्लू इग्नोर करके अवॉइड कर देते, कहाँ अपने ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती कि कहाँ कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये टॉपिक आते अजीब सा इन्होंने हमको ये बोले, तो उन्होंने हमारी बी को बोले, उन्होंने हमारे बच्चों को बोले, उन्होंने हमारी अम्मा को बोले, उन्होंने हमारे खून को बोले, उन्होंने हमारे उसको बोले, ये असल क्या है टालम टोली, आज यहाँ टालम टोली कर ले रहे हैं वहां आखिरत में। तो ये सारे चीजें बोलने का रीजन ये पकवान के साथ मेरे को माँ बाप याद है, कई माँ बाप कई सास ससुर होंगे जो ऐसे ऐसे रिवायती खाने खिला खिला के बच्चों को सेहतमंद तरीके से पाले। अब हमारी बारी है कि हमारे माँ बाप को हम रिटर्न तो कभी भी नहीं दे सकते, ना सास ससुर को रिटर्न दे सकते, औकात और हैसियत नहीं रहती हमारी ना सामने ठहर के पूछने की कि इनको कितना चाहते या इंसाफ क्या रहे ना इंसाफ ही करे। मैं फिर से यही बोलूंगी कि पलट के कोई सामने वाला पूछ दिया कि आपके मैके से इंसाफ मिला क्या आपको, बोले तो अपनी इज्जत अपने हाथों में रहती, बच्चों में जहर इंसेक्ट करते, नाना नानी दादा दादी के लिए, फुफुओं के लिए, खालाओं के लिए, खालुओं के लिए, एक दिन ऐसा आता अपन तो मर जाते दुनिया से चले जाते, बच्चे दुनिया में अकेले रहते, खानदानी लोगों के लिए खानदान बहुत जरूरी है, मैटर करता, ये इधर उधर के अल्लैया मल्लैया ये जो इधर उधर के रहते हैं ना उन लोगों को खानदान नस्ल हसब नसब नानी नाना दादी दादा खाला खालू मामू मानी की जरूरत नहीं पड़ती, मगर जो खानदानी रहते ना जो जीते भी खानदान के साथ मरते भी खानदान के साथ। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बच्चों को खानदान से काट के बहुत बड़ा तीर मारिए बल्कि नहीं समझना, इट्स ए आई थिंक इट्स ए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सोशल इनसिक्योरिटीज। तो मैं हमेशा याद रखूंगी ये चीज के मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या नहीं करे, मेरे वालिद मेरे लिए क्या क्या नहीं करे। हाँ सास ससुर का जिक्र इसलिए नहीं करूंगी कि ज्यादा टाइम उन लोगों के साथ नहीं रही, लेकिन मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था, स्पेशली भी मेरी छोटी नंद बहुत अच्छी नेक, कुछ चीजों में उन्होंने मेरा साथ नहीं दे सके क्योंकि उनके ऊपर उनके बड़ों का प्रेशर था, लेकिन बाकी तो बहुत ज्यादा जुर्म था ससुराल में, लेकिन सहे उफ नहीं करे क्योंकि माँ बाप की तरबियत पे नाम आता था, बहुत ज्यादा जुर्म सहे, बहुत ज्यादा साजिशें जेठानियों के साजिशों में फंसे, हर एक का जुर्म सहे, घर चीज खींची गई, आज मेरी बच्ची का भी हक मारा जा रहा, लेकिन ना मेरी बच्ची की तरबियत पे मैं हुरफाने दी, ना उन्हें बदतमीजी करती, ना मैं मेरे माँ बाप की तरबियत पे हुरफाने दी। बीइंग ए बहू अगर मैं मेरी नन के साथ बदतमीजी करूंगी, मेरे सास ससुर के साथ देवर के साथ, तो उससे मेरी माँ बाप की तरबियत पे हुरफाता, मेरे बैकग्राउंड पे हुरफाता, मेरे खानदान मेरे हसब नसब पे हुरफाता के मेरी माँ कैसी होंगी जो ऐसी तरबियत करके भेजी, या मेरा खानदान मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, हमेशा ये याद रखना। और फिरौन की फिरौनियत भी खत्म हो गई तो अपन क्या चीज है, कभी ये नहीं समझना कि अपनी औलाद सेट हो गई, शादियां हो गए सेट हो गए तो हम किसी को भी कुछ भी रगेट देंगे, रिवर्स होने के लिए एक सेकंड नहीं लगता। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अल्लाह से डरिए, अल्लाह के खौफ में माँ बाप और सास ससुर को दिल से इज्जत और मोहब्बत दीजिए, दुनिया दिखावे के लिए नहीं, छुप के आप जो भी सुलूक कर रहे वो एक बड़े स्क्रीन पे अल्लाह ताला दुनिया में भी डाल देंगे आखिरत में भी। सारों से अदबन गुजारिश है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखिये, और ये देखिए बेहतरीन लजीज विंटर के शानदार नाश्ते, थोड़ी मेहनत करके अगर लेजीनेस नहीं करके अपन जरा खुद भी खाए और अपने बच्चों को भी ये चीज का इंट्रोडक्शन करे। हम लोगों को यही कीमती महंगे शानदार लजीज नायाब चीजों की आदत है जो जिंदगी भर हमारे माँ बाप खिलाए, इसलिए हम लोगों को इसकी कदर भी है।
अपने बच्चों को भी खिलाएंगे तो उन्हें भी हेल्दी वेल्दी एंड वाइस रहेंगे। और प्लीज बच्चों को बादब बानसीब बनाइए, बेअदब बदनसीब नहीं। रिश्तों की तमीज तहजीब सिखाइए, अपनी सखावत सिखाइए, रिश्तों के खिलाफ जहर मत सिखाइए। अपने अंदर का भी जहर कोशिश करेंगे अपन के उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि एक दिन मर के वही खबर के गड़े में जाना है, वही कॉटन का कफन पहन के सोना। किसी को मखमल या मुशज्जर का कफन मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आमाल साथ जाने वाले हैं। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज। मेरी अम्मा के लिए स्पेशल दुआ।